आप सभी का हेल्थ टुडे चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, जिसके प्रयोग से आपको खांसी जुकाम बलगम तो ठीक होगा ही, इसके अलावा भी इस नुस्खे के प्रयोग से अनेकों बीमारियां दूर होंगी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, अमरूद मीठा और स्वादिष्ट होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि भुने हुए अमरूद खाने के क्या क्या फायदे हैं और किस तरह हमें इसका सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप दो अमरूद लीजिए, ये देखिए इतना साइज काफी है। अमरूद ऐसा हो कि ज्यादा पका हुआ भी न हो और ज्यादा कच्चा भी न हो। हमने दो अमरूद लिए हैं, अब हम इनको गर्म करेंगे। ये देखिए इस तरह आपने इनको गर्म करना है, घुमाते रहिए। यह ऐसा घरेलू नुस्खा हम आपको बताएंगे जो कितनी भी पुरानी खांसी हो उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। इस भुने हुए अमरूद के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अगर आपको गैस की समस्या है, एसिडिटी बनती है, बदहजमी होती है आपको, तो हर रोज यह एक अमरूद जरूर खाएं। बहुत ही जल्द आपकी एसिडिटी की समस्या को दूर करेगा। अगर खून की कमी है तो भी आप अमरूद का सेवन करें, और अगर कब्ज की समस्या रहती है तब भी आप इस अमरूद को खा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए भी अमरूद बहुत ही गुणकारी होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, अगर वो गर्म अमरूद को इस तरह जैसे हम बताएंगे वैसे खाते हैं तो भूख लगने में भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा भी अगर आपका लीवर खराब है तो भी आप भुने हुए अमरूद का सेवन करें, आपका लीवर ठीक होगा। ये देखिए इस तरह यह अब भुनना शुरू हो गया है। आप अमरूद को पलटते रहें, क्योंकि यह अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर यह गर्म हो जाएगा, आप इस तरह रख सकते हैं। आप 1 या 2 दिन तक अगर इस भुने हुए अमरूद को खा लेंगे तो यह आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत ही पुराना और कारगर यह नुस्खा है। इसके अलावा भी पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है यह अमरूद। इस तरह से आप अमरूद को पलटते रहें, ताकि कहीं से भी अमरूद कच्चा न रहे, अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए हमने बिल्कुल इसको अच्छी तरह भुना लिया है, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अब हम दूसरा अमरूद को भी इसी तरह भून लेंगे। हमने एक अमरूद को भून लिया है। अगर अमरूद का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आप एक अमरूद भी काफ़ी है। ये हमारे अमरूद थोड़े छोटे थे तो हमने 2 अमरूद लिए हैं। बहुत ही गुणकारी यह अमरूद बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमने दूसरे जो अमरूद है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह गर्म कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अमरूद बिल्कुल भून कर ब्लैक हो गया है। आपने भी इस तरह अमरूद को अच्छी तरह भूनना है। अब हम जो यह ब्लैक नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा ठंडा करके अमरूद को इसको उतार लेंगे। यह जो ब्लैक है थोड़ा सा इसको हम इस तरह छील लेंगे। ये देखिए इस तरह आपने जो ये ब्लैक पार्ट्स जो हो गया था भूनने के बाद, इस तरह आपने दोनों अमरूदों को इस तरह छील लेना है। यह जो ब्लैक आपको ऊपर दिखाई दे रहा था भूनने के बाद, इसको उतारने के बाद अब आपने थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक लेना है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। हमने सेंधा नमक लिया है, सेंधा नमक भी बहुत गुणकारी होता है। आपने इस तरह अपने स्वाद के अनुसार नमक को लगाना है।
अब हम काली मिर्च का पाउडर लेंगे। ये हमने काली मिर्च को बिल्कुल बारीक कर रखा है और थोड़ा सा हम अपने टेस्ट के अनुसार काली मिर्च को हमने इन गर्म अमरूद के ऊपर डालना है। अमरूद ज़्यादा गर्म भी नहीं होने चाहिए। और ये देखिए, यह है हमारे बिल्कुल अमरूद हैं, भूनकर बिल्कुल तैयार हो गए थे। हमने सेंधा नमक डाला और काली मिर्च डाला। यह जो नुस्खा है, यह रेमेडी हमने आपको बताई, यह आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को भी दूर करेगा और बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। दोस्तों, अगर आपको जो हमने बीमारी बताई, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप इस तरह के अमरूद का सेवन जरूर करें, बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद साथियों।